क्या क्यों एफिडेविट में क्यों लिखाई 48 मेरा केस सर क्या नोटिस किया है सो हम बताएंगे नोटिस नहीं करना वो अपन को खुद इसका मालूम आप बनाइएगा दाल भात आप दाल आप लानवे नहीं करिएगा तो कहां दाल मिलेगा नहीं गला घोटने के बाद में घोटने का काम है नहीं देखा हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है क्या लग रहा है सर क्या नहीं अगर इनको अगर पता होता तो जब 3 महीने में गारो गारो केस का बेल करवा लिए तो ये केस क्यों नहीं बेल करवा पाते नहीं अरे हजारीबाग में कहां ले के अगर इनको मालूम नहीं रहता हजारीबाग में कहां है मोबाइल दिखा रहा है अगर मालूम नहीं रहता मोबाइल अगर आपका एक्सीडेंट हो गया किसी तरह ड्राइवरी है कोई बच्ची है प्रयासी औरत है अगर हॉस्पिटल आते लाते मर जाएगा तो फायदा नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से करेगा सो बताए हम जयराम महतो के सामने शपथ और इति भी करेंगे अगर उसको सामने हम बोल रहे हैं अगर वो उसको प्रधानमंत्री बनाइएगा तो हम इसको पूरा ऐसा उसका कार्यकर्ता जो बोल रहा है जयराम महतो प्रधानमंत्री बनाइए क्या प्रधानमंत्री के बनने के लायक है अभी पूरा मोदी जी है तो अभी प्रधानमंत्री है उनका नमस्कार इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के गिरिडीह जिले डुमरी प्रखंड के घुजाडी आईबीपी के पास और हमारे साथ अभी मौजूद हैं 1985 वाला एक पार्टी और एक साइड मेरे साथ है 1932 वाला पार्टी। तो चलिए जानते हैं गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता में राय। तो सबसे पहले जोहार है आपको हमारे चैनल में। जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। तो आप बता सकते हैं किसके समर्थक हैं? देखिए हम समर्थन किसी के नहीं है, जो विकास पुरुष है हम उसके साथ हैं। हम एनडीए है साथ हैं। एनडीए हाँ अच्छा जो तालमेल वाला बीजेपी और आंसू के साथ हैं हम उनके साथ हैं। तो इधर बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जोहार है आपको। जोहार है। तो आप किसके समर्थक हैं? हम तो अभी नया जो लड़का उभरा है। कौन है वो लड़का? टाइगर जयराम महतो। अच्छा जो 1932 का मांग कर रहा है उनके समर्थक है? हाँ उनके समर्थन। क्या बता सकते हैं उनके क्यों समर्थक हैं? पहला बात चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड के यहाँ गिरिडीह है, गिरिडीह में क्या किया है, संसद रहा है 5 साल, वो 5 साल में क्या किया है, स्थानीय नीति के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है क्या बोल रहा है जी? देखिए जो केंद्र का काम है केंद्र तो करेगा, स्थानीय नीति के जो है शुरुआत कौन किया था मांग स्थानीय नीति के लिए? अच्छा तो जे बी केस तो आज उठा है, जयराम महतो तो आज ही उठा है ना, उसके पहले 1932 का लड़ाई क्या आज से चल रहा है पहले से चल रहा है? तो कहीं ना कहीं कमी तो खिल रही होगी ना, तभी तो आ रही है अंदर। कमी की बात नहीं, झारखंड को लूटने के काम किया है जेएमएम और जेएमएम किया है लूटने के काम और कांग्रेस इसलिए किया है। 1992 में पी वी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय 4 सांसद लिखना था, उस समय पैसा दे के 4 सीट पीवी नरसिम्हा राव खरीदने के कारण उसने सरकार बना। उस समय कोयला मंत्री था शिबू सोरेन, उस समय झारखंड को मांग नहीं किया, सिर्फ बहला रहा था कि झारखंड हमको राज दिया जाए। उस समय अगर मांग कर देता कि झारखंड हमको अलग मिलना चाहिए उसी में समय मिल जाता। उसके बाद हमारा बीजेपी सरकार जब बैठा अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 ईस्वी में तो बोला कि ठीक है आपको हम अलग झारखंड कर देते हैं। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री बिहार कहते थे तो क्या बोलते थे कि झारखंड अलग होगा हमारे लाश में होगा। आज उसी के साथ में मिलके कांग्रेस जे में सरकार बना रही है, हमारे झारखंड के विरोध में जो बोल रहा था आज उसी के हित में बात कर रहा है। तो आप गिरिडीह से ही हैं? हम गिरिडीह से ही हैं। तो क्या लगता है गिरिडीह से सीपी चौधरी निकल पाएंगे? निकलेगा फूल पर मतलब 200%। अच्छा कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो का हवा बहुत तेज़ी से चल रहा है। टाइगर जयराम महतो तो निकले हो लेकिन उनको सबसे पहले 1932 को मांग कर रहे हैं। अच्छा। 1932 मांग कहाँ करेगा, राज्य में रहने के बाद करेगा या केंद्र में जाने के बाद बात करेगा, उसको पूछ रहे हैं। क्या आ रही है बात सामने जी? अभी 60-40 का जिस टाइम कांग्रेस यहाँ जेएमएम का सरकार था उस टाइम 60-40 का नियोजन मतलब जो लागू किया कि 60-40 नहीं होगा, तो उस टाइम बीजेपी एक शब्द भी बोला कि 60-40 मतलब ऐसी होना चाहिए। अच्छा आवाज़ नहीं उठाई? 100 का 100 हाँ 100% बीजेपी को उठाना चाहिए ना, कहीं से एक तरफ समझ लीजिए बीजेपी कमज़ोर हो गया है। पहला बात बीजेपी में जितना भी है ये पहला यहाँ झारखंड का एक भी मतलब है ना, झारखंड का जो बात आगे बढ़ाएगा बीजेपी में एक भी नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है बीजेपी जो कि कुछ नहीं किया है? किया है। अच्छा पर हमारा स्थानीय नीति लागू के लिए कुछ नहीं किया है। अरे रोड बनवा दिया है, ये रोड बना है किसके लिए बना है,
बोलता है कि जनता के लिए, जनता के लिए नहीं, हमारे झारखंड के 40% ये खनिज है ना, इसी रोड से जा रहा है दूसरा राज्य और दूसरा राज्य में कमा रहा है। क्या बोल रहा है? ठीक है, विकास का नाम क्या होता है? विकास क्या चाहिए? हम जे बी केसेस वाले से यही पूछना चाहते हैं, विकास खोजता है, विकास क्या होता है? रोड, बिजली, पानी, शिक्षा। आज हमारे झारखंड में जो है रोड नहीं है कहाँ बताइए, बिजली कहाँ नहीं सो बताइए, शिक्षा कहाँ नहीं वो बताइए। ये शिक्षा बहाली तो राज्य सरकार करेंगे ना, केंद्र का काम तो नहीं है। अच्छा, ये राज्य सरकार के, उसके बाद नियोजन नीति, स्थानीय नीति तो राज्य सरकार लागू करेगा ना, केंद्र सरकार के चुनाव हो रहा है सो बताइए, ये केंद्र सरकार करेगा ना, ये राज्य सरकार करेगा ना, तो कहीं ना कहीं मतलब राज्य सरकार को ही सबसे झारखंड को धकेलने का काम झारखंड सरकार का ही कर रहा है, कांग्रेस एंड जेएमएम, उसके साथ जो इंडिया गठबंधन है वही सब कर रहे हैं, जयराम मातो जी बोलते हैं। तो 1932 को जो मांग कर रहे हैं हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले 1932 के किस वजह से मांग कर रहे हैं, मांग रहे हैं तो राज्य सरकार से मांगते ना। क्या बात आ रही सामने बताइए, तो उस अभी क्या बोल रहे हैं भैया जी, बोल रहा है किस वजह से इस संसद वाला काम नहीं है, तो उसको वोट कौन देता है? संसद ये ग्रीडी का आदमी ही देगा ना, नहीं चाहिए अगर संसद का अगर मांगे तो दिल्ली में वोट खड़ा होकर मांगिए, दिल्ली में जाके वोट मांगिए कि वहाँ हमको वोट दीजिए, हम वहाँ संसद ऐसी करेंगे। अच्छा, हम ढलाई ढाल देंगे ऊपर में पूरा मजबूत, और नीचे हम बुनियाद सही नहीं रखेंगे तो मेरा ढलाई कितना दिन चलेगा सो बताइए। पहले राज्य स्तर में आवे, उसके बाद केंद्र में जाए, राज में आने के बाद मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, उसके बाद जो मांग करेगा केंद्र से उसको मिलने की संभावना रहता है, कि डायरेक्ट हम लोकसभा से मांग करेंगे, अगर राज्यसभा में इसका सरकार नहीं रहेगा तो राज्यसभा अगर रोक देगा नहीं दे पास होगा तब। जयराम मातो के जमीनी लड़ाई भी लड़ना है, 1932 के लड़ना है, स्थानीय नीति तो पहले राज्य के स्तर में आएगा ना, केंद्र सरकार केंद्र में आएगा सो बताइए। अच्छा, तो देख सकते हैं इस तरह कुछ बात सामने आ रही है निकल कर, क्या लगता है आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तक में मतलब क्या रखे हुए हैं। देखिए हमारा विकास जो किए हैं, अच्छा 5 साल के दरमियान में जो है क्या है उनको ये? जो विकास किए हैं, जो जो काम किए हैं, इसको सीपी चौधरी जो जो है इंडिया गठबंधन जो है आसू एंड बीजेपी, अच्छा दोनों जो काम किए वही मोदी के नेतृत्व। थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को, देखिए इसमें लिखा है, उसमें थोड़ी पता चलेगा क्या हुआ है वो बताइए। हाँ, गिरिडीह में क्या हुआ है सब बताइए। गिरिडीह विधानसभा में 28 सड़कें बने, कुल संख्या कितना 145 किलोमीटर 29 पॉइंट है सड़क। सुनिए 28 सड़क बना है, ठीक है, इसमें गिरिडीह में बना है, ठीक है, इसमें किसके लिए बना है? ये 40% जो खनिज आ रहा है वो दूसरा राज्य के लिए जाने के लिए बना है। अच्छा, हमारा झारखंड में अगर 40% खनिज है तो हमारा झारखंड कहाँ है इतना इतनी कमजोर है? झारखंड अगर यही बात है, झारखंड में अभी बिजली का बात भी बोले आप, बिजली बात है, हमें झारखंड में अभी बिजली कोयला सब है ना हमारे झारखंड में, और दूसरा राज्य में अगर हिमाचल में अगर सेब है तो सेब वहाँ से पड़ता है कैसे 20 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया किलो पड़ता है, और वहाँ से जो आता है और यहाँ पैसे कैसे बिकता है 100 रुपये। जेबी केसेस वाले जो बोल रहे हैं जयराम महतो जी, उनका सबसे पहले घर कहाँ है? उनका बगल में मेरा ससुराल है। अच्छा, खुखरा पीटाड़ बोलते हैं वहाँ, सबरनपुर में ससुराल है। हम वहाँ के रोड का देखे हैं, चिरकी से जब घुसते थे 13 किलोमीटर पड़ता है, ये बड़ा बड़ा बोल्डर था, वहाँ विकास नाम का कुछ नहीं था। अभी जब जाते हैं तो ANHI क्या है, उतना टॉप रोड बन गया है, ये मोदी का देन है। अगर किसी ड्राइवरी परेशान, आप नौकरी खोज रहे हैं, हम नौकरी दिला देंगे, ठीक है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, किसी तरह ड्राइवरी है, कोई बच्ची है, प्रयासी औरत है, अगर हॉस्पिटल आते लाते मर जाएगा तो फायदा नहीं होगा, तो नौकरी कहाँ से करेगा सो बताइए। रोड नहीं चाहिए उसको, नौकरी चाहिए ना रोड चाहिए। अगर वही जगह, अगर वही जगह अगर हॉस्पिटल बन जाए, वही गली तो कितना बढ़िया रहेगा, वही तो गली कोचा जो है, अगर हमारे पंचायत में आज डुमरी, अगर मान लो आपका ससुराल बोले कहाँ पर है, सबरनपुर, अगर वहीं पर अगर एक हॉस्पिटल बन जाएगा तो वहाँ रोड का हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा? रोड बन गया, आपका बाल बच्चा का भविष्य बना, आपका बाल बच्चा का भविष्य बना, स्थानीय नीति लागू हुआ, सकते इस तरह कुछ बात छेड़ रही है सामने, स्थानीय नीति लागू हुआ, एक रोड बन जाता, यहाँ पर का 25-25 लाख में जितना बीजेपी सो बताइए। पहले सबरनपुर में एक रोड बनता, खुखरा में एक रोड बनता, एक हॉस्पिटल बनता, क्या चर्चा कदम हॉस्पिटल बनने का
का संभावना है, अगर हमको लिख के दे जयराम महतो कि हम बनाएंगे हर पंचायत पंचायत में हॉस्पिटल बनवाएंगे, तब उनका हम बात मानेंगे, उन लिख के दे 1932 हम लागू करवाएंगे, तो ये हवा हवाई बात है। उसको अगर जिस जगह संसद उसको बोल रहे उसका संसद प्रधानमंत्री जगह बनाइए, उसको चैलेंज हम लेते हैं, संसद लिखित चैलेंज बुलाया जाए, हम जयराम महतो के सामने शपथ और इति भी करेंगे, अगर उसको सामने हम बोल रहे हैं अगर वो उसको प्रधानमंत्री बनाइएगा तो हम इसको पूरा ऐसा उसका कार्यकर्ता जो बोल रहा है जयराम महतो प्रधानमंत्री बनाइए, क्या प्रधानमंत्री के बनने के लायक है अभी पूरा मोदी जी है तो अभी प्रधानमंत्री है उनका किसके मोदी जी है उतना दिन में हमको अपने ग्रीडी तो अपने ग्रीडी क्षेत्र के बारे में ही बोलिए। ये बोला प्रधानमंत्री उसको बनाइए, जयराम महतो बोला जी, ये बोला तो 543 वो लोकसभा है, 45 लोग 543 लोकसभा में उसको आधा कितना चाहिए, 45 250 मतलब 70 चाहिए, 70-73 चाहिए, तो ये बताइए उतना अगर आएगा इसका मैंने इसका कौन है पीएम उम्मीदवार, लागू नहीं करवाए तो हम अपना जितना मतलब जमीन जायदाद है पूरा झारखंड का आदमी हम इतना संभावना है प्रधानमंत्री बनने का, लड़ेगा 14 सीट और बन रहा है 274 सीट का मांग कर रहा है प्रधानमंत्री बनने का, जो बोल रहे सही बोल रहे। इधर देख सकते हैं अंकल लोग क्या लड़ रहा है आपस में, एकदम सही सलामे से बात करो। अच्छा तो दोनों विपक्ष के लोग हैं, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, समझे हम लोग। ये क्या बोला अभी भैया जो बोले ना कि चंद्र प्रकाश जगह अभी मोदी वहाँ इतना जगह रोड बना दिए हैं, ठीक है, तो हम बोले कि जयराम महतो को मोदी वहाँ पर बनाइए, बनाया उस जगह बनाइए, तो हम जयराम महतो के बनने के है उसका कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जयराम महतो तो बनेगा, आप ही उसी का टक्कर दे रहे हैं, लड़ेगा 14 लोकसभा और प्रधानमंत्री बनेगा किसके साथ बनेगा सो बता, अगर एक जगह यहाँ पर रद्द करवा ले सुनो आप लोग का इसका मतलब नियत में खोट है, दूसरे पार्टी साथ आप लोग तालमेल कर चुके हैं अंदर से, इसलिए आप 14 सीट से लड़ रहे हैं, किस पे शक है जी, किस पे शक है आपको? इसके जो कार्यकर्ता जो बोल रहा है कि हम लड़ेंगे 14 सीट से और हम प्रधानमंत्री बनाए जाए जयराम महतो को, तो क्या प्रधानमंत्री बोला कि मोदी जगह उसको बैठाइए, प्रधानमंत्री की तुलना आप ही किए, प्रधानमंत्री का तुलना पहले किया आप किए, ठीक है, उसके बाद हम बोले केंद्र में सुनो प्रधानमंत्री की जगह आप टाइगर को बैठा दीजिए, केंद्र जो काम करे टाइगर को आप बैठा दीजिए, अगर काम नहीं चुटकी में हॉस्पिटल की बात करें हर पंचायत में 2-2, 3-3 को हॉस्पिटल नहीं खुलवा दिया, सुनो जयराम महतो प्रधानमंत्री बना दिया जाए इस मत में, हम आपको प्रदीप साहू बना दे और बाबूलाल मरांडी बना दे, जो होने का संभावना आपको बाबूलाल मरांडी और प्रदीप साहू बना दे। चलिए यहाँ तक तो बात स्पष्ट नजर आ रही है कि किसमें क्या मतलब कमी है, चलिए जानते हैं। 1 तारीख को नामांकन था टाइगर जयराम महतो को डीसी ऑफिस बोकारो में, काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, कल 6 तारीख को जो कि नामांकन होने जा रहा है सीपी चौधरी को, कितनी संख्या में भीड़ उमड़ेगी क्या लगता है आपको? हमारे लोकसभा हमारे 6 विधानसभा में से लाखों लाख आदमी आए हैं। अच्छा सिर्फ बीजेपी समर्थ? नहीं नहीं बीजेपी एंड आसू दोनों अच्छा, साथ में रहेंगे, हम लोग गठबंधन है ना। अच्छा दोनों आएंगे, दोनों कार्यकर्ता रहेंगे, दोनों वोटर भी रहेंगे, मतलब 1 लाख से पार आएंगे। हाँ क्या लगता है जी रहेगा? देखो अभी टाइगर में जितना भी आदमी गया है किसी भी समर्थन को पूछ लीजिए कि पैसा इतनी किया है। अच्छा अगर लग रहा है कि हम अगर जीत ही जाएंगे तो पैसा काहे इतनी कर रहे हैं, पहला मेरा सवाल यही है कि आप लग रहा है कि हम अपना पार्टी मान लीजिए हम मतलब आपका कहना का मतलब है पैसे के बदौलत भिड़ जाएगी इनकी? हाँ पैसे के बदौलत से भिड़ जाएगी। क्या बोल रहे हैं? देखिए पैसे का बात नहीं है, जयराम महतो के सबसे पुराना हमारा मेरा अनुभव बता रहा है, जयराम महतो के कहना है जैसे एक भाषा बोलता है। अच्छा। कि हमको आदिवासी एक कुर्मी लोग भी बोलता है आदिवासी घोषित किया जाए, बोलता है ना कुर्मी लोग कि आदिवासी ठीक है उनको आदिवासी हम बना देंगे, कुर्मी लोग आदिवासी सुनो कभी कुर्मी के बारे में बोल नहीं किया वो भी बोला है कौन बोला है पहले मालूम है कौन बोला है लमोदर महतो बोला है कुर्मी आदिवासी जयराम महतो भी बोला है ऐसा बात नहीं है बोलिएगा प्रदीप साहू तुम्हारा बोला है तो इसमें 1932 आपस में हम लोग के लड़वा रहा है लड़वाने के बाद जो है
जो भी है जयराम महतो हमको लिखित दे देना भाई वो कि हम नौकरी लगवाएंगे सबको। हाँ वो हो नहीं सकता, बनाइए हम चैलेंज कर रहे हैं। लोकसभा से संभावना है ना विधानसभा, अगर लोकसभा इसको पारित कर देगा तो विधानसभा में रोक देगा तो क्या होगा सो बताइए। अगर इतना अगर नहीं था इतना डर से काहे साइड कर रहा है, नॉमिनेशन नहीं होने दिया काहे नहीं होने। उसका केस नंबर हम दिखा रहे हैं, केस नंबर आप दिखाइए ना, उसका केस नंबर है जयराम महतो का। अभी मान लीजिए आपका केस होगा तो आपको कितना दिन में नोटिस आएगा सो बताइए पहले, आपका केस होगा तो कितना दिन में नोटिस आएगा। 2022 का केस है, 48 है केस नंबर संख्या। अच्छा उसके बाद सब में बेल करवा लिया, इसमें क्यों नहीं बेल करवाया? पहला बात इधर देखिए, पहला बात अगर इसके नाम पे मान लीजिए केस हुआ है अजय भैया है, इसके नाम पे अगर केस होगा तो इसको नोटिस आएगा नहीं आएगा सो पहले बताइए ठीक है। लोकतंत्र का हमारे देश में अगर पहला कोई अगर कुछ अगर मारपीटी भी होता है तो उसमें केस होता है तो फट चना फॉर्म आता है जी। आता है नहीं आता है सो बता। आप इसको डायरेक्ट नॉमिनेशन हम जिस दिन अब मान लीजिए आप क्या नोटिस तो आया था पहले उसी दिन बोलेंगे हम जानकारी है आपको आपको हम दिखा रहे हैं देखिए देखिए सुने क्या लिखा है। जयराम महतो के मामले में गिरफ्तार हुए इस मुकदमे में FIR की जिक्र उसने खुद अपने इलेक्शन एफिडेविट में की है। जब इनको मालूम नहीं है तो अपना एफिडेविट में कैसे बोला कि 48 मेरा केस संख्या है? तो कब बोला है सो बताइए। जो बोला जब एफिडेविट जो जमा करता आपका केस हुआ यहाँ पर कुलगो में जिस टाइम यहाँ पर डीबीएल था उस टाइम बोल रहे थे कि केस हुआ था आपका कितना दिन में नोटिस आया था सो पहले बताइए। हम नोटिस अगर जयराम जयराम महतो जी के मान लेते हैं किसी को दो झाप मार दीजिएगा चार दिन के बाद ठीक है दो साल के बाद अगर इनको मालूम रहेगा तो उसका किसका खिलाफ रहेगा? अगर इनको देख सकते हैं इस तरह कुछ बात इनको मालूम नहीं रहती है, अगर इनको मालूम नहीं रहता कि मेरा एफिडेविट में लिखा है देखिए 48 केस संख्या एफिडेविट में क्यों लिखाई 48 मेरा केस संख्या नोटिस किया है सो बताइए। नोटिस नहीं करना वो अपन खुद उसका आप बनाइएगा दाल भात आप दाल आप लानवे नहीं करिएगा तो कहाँ दाल मिलेगा? नहीं गला घोटने के बाद में घोटने का काम है ठीक है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है क्या लग रहा है सर? नहीं अगर इनको अगर पता होता तो जब 3 महीने में गारो गारो केस का बेल करवा लिए तो एक केस क्यों नहीं बेल करवा पाते हैं? नहीं अरे हजारी बार में कहे ले के अगर इनको मालूम नहीं रहता हजारी बार में कहे मोबाइल दिखा रहे हैं अगर मालूम नहीं रहता 85 वाला मोबाइल दिखा रखिए मालूम नहीं रहता क्या लिखा है तो देख सकते हैं इस तरह कुछ बात छिड़ चुकी है। क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर इसको मालूम एकदम मतलब कट्टर समर्थक हैं दोनों देख सकते हैं। नहीं जिस दिन हजारीबाग में हुआ था उस दिन तो गिरफ्तार करना चाहिए इनके। अगर एफिडेविट में 48 केस संख्या दर्शाया गया है अगर उनको मालूम जा रहा मतलब तो क्या है तो इसमें बेल क्यों नहीं थी करते इसमें क्या इसका मतलब बताइए एफिडेविट में क्यों भरे क्या है एफिडेविट का राज आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और किसके समर्थक है आप और किसको वोट देंगे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जोहार झारखंड।